कश्मीर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने एक यूट्यूब का इवेंट श्रीनगर में भी करवाया था और उस इवेंट में जम्मू और कश्मीर के जो भी यूट्यूबर थे सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था। आज यहाँ पर KYF है, यानी कश्मीर यूट्यूब फेस्टिवल, जिसमें यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, ईच एंड एवरी वन जो है यहाँ पर आज प्रेजेंट है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, द अमेजिंग थिंग इज दैट कि यहाँ पर सारे क्रिएटर्स को यहाँ पर बुलाया है। और ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भारत सरकार ने ही यूट्यूब को अप्रोच किया था ताकि वो कश्मीरियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे और वो आगे बढ़े और हमारे कश्मीर को पूरी दुनिया के अंदर दिखा सके। हलवा पकाए। हालांकि मैं भी यूट्यूबर हूँ और मैं आज तक यूट्यूब के किसी भी इवेंट में नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे कभी बुलाया नहीं गया। गजब बेइज्जती है। और व्यूअर में कभी गया नहीं। इनविटेशन तो आए 2-3 बार जाके देखने के लिए लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, हालांकि मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि जब कोई यूट्यूबर ऐसे इवेंट में जाता है और जो छोटे यूट्यूबर होते हैं उनको काफी मोटिवेशन मिलता है और ये जम्मू कश्मीर के यूट्यूबरों के लिए, जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे नहीं चले। जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान का कश्मीर चमकता दमकता नजर आ रहा है, वही पाकिस्तानियों का माइंडसेट अभी भी यही है। एक मिनट, आपके सामने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे ये बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? जुल्म हो रहा है। जुल्म कश्मीर में क्या हो रहा है मुसलमान? जुल्म ही हो रहा है। और जुल्म हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती। ठीक हो गया, ये देखे ना, भारत में रहने वाले उसके अपने मुसलमान शहरियों की जो हालत है और जो हालात है यकीन जानिए काबिले तरस है। अब ये देखें कश्मीर में क्या हो रहा है भाई जान? भाई अल्लाह को पता है, हम तो नहीं अंदाजा, हम क्या सुनते हैं इंडिया साइड कश्मीर में? वो तो बस इंडिया जुल्म कर रहा है हमारे साथ, सीधी सी बात है। मैं सीरियसली आपको बोलूं तो पाकिस्तानी आवाम की कोई गलती नहीं है क्योंकि इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनकी प्रिंट मीडिया है, वो चलाती यही है और वो कंट्रोल करती है पाकिस्तान की आर्मी ISI। अभी ISI ने इमरान खान को टीवी के अंदर बैन कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया। इमरान खान की आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी। इमरान खान को गायब कर दिया गले के सींग की तरह। और जब तक पाकिस्तान सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और या इनका मीडिया सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा तब तक ये लोग इसी खुशफहमी में रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और पाकिस्तान की मीडिया पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करते। जब ऐसे लोग कैमरे के सामने आते हैं ना तो उनको सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है। तो आज आपको मनोरंजन नहीं, आपको आज आनंद मिलेगा। तो चलते पाकिस्तान। रिसेंटली इंडिया साइड कश्मीर में यूट्यूब फेस्टिवल हुआ है जहां पर छोटे बड़े क्रिएटर्स आए हैं और उनका मकसद शायद ये था कि यूट्यूब को प्रमोट किया जाए, सोशल मीडिया की अहमियत कश्मीरियों को बताई जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूट्यूब फेस्टिवल होते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान साइड कश्मीर में? क्या उस तरीके से वहां पर इंटरनेट सर्विस मौजूद है जो कि बॉर्डर के दूसरी साइड पे मौजूद है? सो ये अभी इस वक्त जो लाइव मैं आपको बता रही हूँ, तो इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ टाइगर हॉल में। आपको पता होगा कश्मीर में एक काफी पॉपुलर जगह है टाइगर हॉल, क्योंकि यहाँ पर जो है इवेंट्स वगैरह काफी होते हैं। एंड ये जो इवेंट है ये 2 दिन का चलने वाला है। आई एम एक्साइटेड बिकॉज एज अ यूट्यूबर, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरे को भी बुलाया बड़े ही प्यार से, तो मैंने अपना सारा टाइम निकाला एंड आई वॉज मतलब इन जम्मू, तो मुझे लगा कि नहीं सारे काम छोड़ते हैं और हम यहाँ पर आते हैं। मैं मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट हूँ लाहौर में। ठीक है, जबरदस्त, आपसे बात करने का मजा आएगा जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें और खास तौर पे इस एशिया की, इंडिया की बात करें, तो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स या वो लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू एक तो इनकम भी कमा रहे हैं और दूसरे नंबर पे बहुत से लोगों को वो नॉलेज दे रहे हैं, बहुत से लोगों को वो न्यूज़ दे रहे हैं, बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, ये बताएं उनके लिए पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है? यार, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं या फ्रीलांसर ऐसे काम करते हैं, उनके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ठीक है, ये मुतलका बजट में ठीक है, ठीक हो गया। उसमें यूट्यूबर और जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से तल्लक रखते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई किसी किस्म के अमली इकदाम नजर नहीं आए। जैसा कि इंडिया में यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। ये तो आपने बात कर दी इंडिया की, मतलब दिल्ली शिल्ली आपके माइंड में होगा, मुंबई माइंड में होगा, लेकिन मैं आपको खबर दूँ कि कश्मीर में, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहां पे अभी रिसेंटली 1-2 दिन में यूट्यूब फेस्टिवल हुआ है जिसके अंदर बहुत से यूट्यूबर्स आए हैं, उन्होंने मोटिवेट किया वहां के यूट्यूबर्स को, वहां के लोकल्स को, ठीक है, और वहां पे इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है यूट्यूब इंडस्ट्री को, सोशल मीडिया को मौका दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? हम तो हमेशा ये कहते हैं कि वहां जुल्म हो रहा है, लेकिन वो तो प्रमोट कर रहे हैं। देखें, अगर हम कंपैरेटिवली देखें ना इंडियन साइड को जी और पाकिस्तान साइड को, ठीक है ना,
तो इंडियन साइड में हर छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर को भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक है, नहीं मेरे है, मैं मेरी जो नॉलेज है गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, वो प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं, वो अवेयरनेस। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है जिसमें जो है वो बिजनेस कम्युनिटी या इन्फ्लुएंसर जो पर्सन है वो खुद से ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए और जो फ्रीलांसिंग करते हैं यूट्यूबर्स हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हैं, जिनको सिक्योरिटी रिस्क कहकर जो है ना वो बहुत सारी जगहों पर यूट्यूबर को जाने नहीं दिया जाता। मैं कश्मीर गया हूँ, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको भी बताता हूँ और देखने वालों ने बहुत देखा होगा कि वहाँ पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, खासतौर पे LOC के एरिया पे बात करें, वहाँ पे तो ये अलाउ ही नहीं है, ये कैमरा ये माइक लेके नहीं जा सकते। आप हमारे वाघा बॉर्डर में नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, उनके बड़े बड़े कैमरे लेके आए बैठे होते हैं। ठीक है, और हमारे बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं लाहौर के अंदर जहाँ पे यूट्यूबर्स को जाना अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है ना, तो अगर इंडियन साइड में देखें तो वो कश्मीर में हजारों लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है व्लॉगिंग वगैरह के लिए, यूट्यूबिंग के लिए। ठीक है, अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी सर्च कर लें, आपको पहले 10-15-20 लोग इंडियन आएंगे, उसके बाद किसी पाकिस्तानी की बारी आती है। 100% करता हूं, और कोई भी फील्ड, आप व्लॉगिंग, आप रोस्टिंग, आप कोई इंटरटेनमेंट, आप इसके अलावा कोई भी, आप इसके अलावा टेक्निकल की कोई चीज़ें देख लें, नॉलेज के रिलेटेड, टीचिंग के रिलेटेड देख लें, हर एक में आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो इंडियन आएंगे। उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं भाई कॉमन सेंस वाली बात है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ के लोग ही आएंगे, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? सर जी, पॉपुलेशन वाली बात नहीं है, हमारे से दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन इसराइल की है। अच्छा, ठीक है ना, तो उनके सब लोग टॉप के हैं। ये इसकी क्या वजह? बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलती, वो किसी को फैसिलिटेट क्या करेगी? क्या करेंगे? ठीक है ना? अच्छा, इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, वो यूज हम तभी कर पाएंगे, उसका फायदा तभी उठा पाएंगे जब हमारे पास इंटरनेट होगा। पाकिस्तान साइड कश्मीर में और इंडिया साइड कश्मीर में इंटरनेट फैसिलिटी की आपको क्या नॉलेज है? देखें, इंटरनेट फैसिलिटी इंडियन साइड में बहुत अच्छी है। कश्मीर, जब हम उनके कश्मीर की बात करते हैं ना, जिसको जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज उधर बन रही हैं, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे लाइन के जो नेटवर्क हैं उधर बन रहे हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। ठीक है ना, और आप हमारे कश्मीर को देख लें, हमारे कश्मीर को क्या देखना है, अभी हम लाहौर में खड़े हैं, आप हमारे लाहौर को देख लें। पाकिस्तान में यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो लोग तल्लुक रखते हैं उनके लिए स्वाय पायोनियर के पेपाल तक की फैसिलिटी नहीं है। ये बड़ी अथेंटिक बात है जो हमें भी इश्यूज फेस करना पड़ते हैं कि लाइक अगर कोई बाहर से कोई प्रोजेक्ट करता भी है, कोई जो सा इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई भी फ्रीलांसर है या कोई एडवर्टाइजमेंट, मैं यूट्यूबर हूँ लेट्स सपोज, मुझे बाहर किसी कंट्री से एडवर्टाइजमेंट आती है, इवन इंडिया से ही आती है, मैं उसे क्या कहूँगा कि भाई नहीं, वो ना हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं, पेपाल ही नहीं है, हमारे पास पे कोई ऐसी सर्विस ही नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसके थ्रू आपसे पैसे ले सकें, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ये मतलब कैसा फील आएगा? देखिए, ये एक ना घुटन का माहौल है। ठीक है ना, एक घुटन का माहौल है, तफन ज्यादा माहौल जो है ना वो यूट्यूबर्स के लिए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जो पाया जाता है। अभी हमारे सामने नीला गुंबद है। ठीक है, ऐसे ही है। आप नीला गुंबद में जाके व्लॉगिंग नहीं कर सकते, आपको ETPB से और मुतल्लिका इदारों से पहले पूछना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये सामने पीछे जैन मंदिर है, आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं? मैं कहता हूँ आप अंदर जाके बिल्कुल कवर नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान में देखें, अब जो है ना चीजों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन हटा देनी चाहिए। अब लोगों को ऐसा करना चाहिए कि लोग अपने माइक उठाएं और जिधर मर्जी जाके वीडियो बनाएं, और फिर पता चले हकीकी आजादी, हकीकी आजादी का पता चले, पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज है वो लोगों के सामने आना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।